गाँव में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जो कि 18 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक दस्तक अभियान चलेगा और 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलेगा। इसमें आशा और आंगनवाड़ियों को मिल करके संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताने के लिए आम नागरिकों को, उसी के संबंध में इस अभियान की शुरुआत में उनको क्या करना है, इसी के लिए उनकी बैठक बुलाई गई, उनका संवेदीकरण कराया। 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला दस्तक संचारी कार्यक्रम के अंतर्गत आशा आंगनवाड़ी, जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सभी के घर घर जाकर लोगों को दिमागी बुखार, मलेरिया, डेंगू सभी बीमारियों की जानकारी देंगी कि कैसे इन बीमारियों से लोग बच सकते हैं, कैसे घर में साफ सफाई रखें, और यदि कोई भी मरीज उनको मिलता है बुखार का या दिमागी बुखार का तो उसको निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराएं। क्या उनको कोई किट दी गई है? आंगनवाड़ी आशाओं को मेडिसिन किट अवेलेबल उपलब्ध कराई गई है कि अगर किसी भी घर में उनको बुखार का मरीज मिलता है तो उनको वो दवा की किट उपलब्ध कराएंगे। और इसमें 5 संस्था से बुंदेल सिंह जी हैं जो पूरा इसका निगरानी करेंगे कि जो आशाएं या आंगनवाड़ी हैं वो सही तरीके से घरों में विजिट कर रही हैं, लोगों को पूरी जानकारी दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आंगनवाड़ी और आशाएं घरों में 102 एम्बुलेंस की भी जानकारी देंगी कि अगर कोई सीरियस मरीज होता है तो कैसे वो लोग 102 एम्बुलेंस की सहायता से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच सकते हैं।